ओके देन सो न्यू सिलेबस बाय आईसीएआई हैज बीन लॉन्च्ड एंड आईसीएआई का न्यू सिलेबस उसी के न्यू सिलेबस को रिप्लेस कर रहा है फॉर योर मे 24 एंड ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट. सो गाइस आर यू एक्साइटेड? सो एक डिटेल्ड एनालिसिस पे मुझे ये समझ में आ रहा है दैट आईसीएआई इंटरनेशनल करिकुलम के साथ अपने सिलेबस को सिंक करना चाहता है एंड दे वॉन्ट यू टू बिकम अ ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट. यस एंड दैट्स द होल इंटेंशन ऑफ गेटिंग दिस न्यू सिलेबस, राइट? सो इसमें क्या क्या चीजें हैं? सबसे एक बड़ा एडवांटेज है आपके पास के 3 years की आर्टिकलशिप हैज बीन रिड्यूस्ड टू 2 years. सो इससे आपका सीए फास्ट ट्रैक हो जाता है. That is very very good. कुछ subjects है जो ICAI को लग रहा है कि irrelevant है, जैसे EIS हो गया, so that institute ने remove कर दिया है. SCMP law CA final में है, उनको उन्होंने self-paced module में डाल दिया है, so that आप articleship के साथ साथ दो subject अपने cover कर लो and उसका exams दे दो. So that is a really really positive mood जो ICAI ने पूरा set किया है. आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं एक सब्जेक्ट के बारे में विच इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल इन योर करियर अहेड एंड दैट लेडीज एंड जेंटलमैन इज AFM एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर 2 ऑफ CA फाइनल. सो कुछ इंस्टीट्यूट एग्जाम्स लेने वाला है ओपन बुक, कुछ होने वाले हैं क्लोज्ड बुक, कुछ में होने वाले एमसीक्यू बेस्ड, कुछ होंगे डिस्क्रिप्टिव. वेल एज पर द न्यूज SFM या AFM जो भी नाम होता है इंस्टीट्यूट इसको रखता है, दैट इज गोइंग टू बी अ टोटली क्लोज बुक एग्जाम एंड दिस इज गोइंग टू बी 100% डिस्क्रिप्टिव. चांसेस है कि 30% इसमें भी एमसीक्यूज इंट्रोड्यूस कर दे इंस्टीट्यूट, विच इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ वेलकम मूव. सो क्या चेंजेस है, क्या इसमें नया आने वाला है एंड हाउ आर वी गोइंग टू अप्रोच इट एंड कैसे मैं अपने 5 years के जेपी मॉर्गन के प्रैक्टिकल करियर का यहां पे यूज करने वाला हूं. मतलब जब मैंने जेपी मॉर्गन ज्वाइन किया था, लिटिल डिड आई नो दैट यस प्रैक्टिकली आप लोगों को ये सारी चीजें सिखाने का मौका मिलेगा जो मैंने मेरे क्लाइंट्स के लिए एग्जीक्यूट की है, जो मैंने मेरे 5 years के ट्रेनिंग पीरियड में सीखी है. सो आई एम रियली एक्साइटेड टू टीच दिस सब्जेक्ट और उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे. आइए लेट द गेम बिगिन. ओके सो एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या आपको पता है अब इस सब्जेक्ट को अगर आप सोच रहे हो कि खाली बुकिश नॉलेज से पढ़ के पास कर दोगे, देन लेट मी टेल यू, यू आर रॉन्ग. सो काफी एक्सटेंसिव कर रहा है इंस्टीट्यूट इस सब्जेक्ट को. कुछ टॉपिक्स आपको दिखेंगे जहां पे प्रॉब्ली CFA FRM का टच दिया है. कुछ चीजें आपको प्रैक्टिकल न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा तब जाके समझ में आएगी. इसके लिए मैं आपको बोलता हूं स्टार्ट रीडिंग इकोनॉमिक टाइम्स ऑन अ डेली बेसिस. धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें समझ में आएगी बट इट विल हेल्प यू इन अ लॉट ऑफ वे व्हेन यू आर डूइंग दिस सब्जेक्ट. डेफिनेटली जब मैं पढ़ाने वाला हूं एक डिस्कशन होगा अपना भी इन टर्म्स ऑफ हाउ द होल ग्लोबल मार्केट इज मूविंग एंड इंडिया उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है एंड ऑल ऑफ दैट इज इन स्टोर फॉर यू. सो खाली एक बुकिश नॉलेज नहीं बट आप लोग को एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड के साथ भी कनेक्ट करवाना, ये मेरी जिम्मेदारी है. नाउ AFM का सबसे बड़ा एडवांटेज, इंस्टीट्यूट ने इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं किए इन टर्म्स ऑफ द चैप्टर्स दैट वर देयर. यानी देयर वर अराउंड 14 चैप्टर्स इन SFM और आज AFM में 15 चैप्टर्स हो गए हैं. उसमें से जो 14 चैप्टर्स SFM में थे उतने ही सेम टू सेम 14 चैप्टर्स AFM में भी है. प्लस देयर इज वन बिग एडिशन ऑफ अ चैप्टर कॉल्ड एज एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग. सो हम लोग ने गाइज एक PDF बनाया है आप लोगों के लिए. इस PDF में आप लोग देखेंगे कि चैप्टर्स जितने पहले थे वो सारे के सारे चैप्टर्स मैंने ले लिए एंड इंस्टीट्यूट ने हर चैप्टर में कुछ एडिशंस किए हैं. तो से फॉर एग्जांपल अगर डेरिवेटिव्स की बात करता हूं तो क्रेडिट डेरिवेटिव्स है, वेदर डेरिवेटिव्स है, ऐड हुआ है. अगर मैं पूरे चैप्टर की बात करता हूं तो एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग ऐड हुआ है. जैसे एक सिक्योरिटाइजेशन चैप्टर है उसमें टोकनाइजेशन का कॉन्सेप्ट ऐड किया है. तो हमारा ये जो PDF है, यू कैन डाउनलोड दिस PDF फ्रॉम आर टेलीग्राम चैनल विच इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन. सो वहां से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं जिससे आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा कि दैट ओके चैप्टर्स के नेम क्या है एंड इट इज ऑलमोस्ट सेम एज इट वाज. एक चैप्टर ऐड हुआ है जो हमने PDF में फर्स्ट रखा है विच इज एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग एंड एवरीथिंग एल्स. हर चैप्टर में कुछ और एडिशंस है, देर आर नो डिलीशंस एज सच. सो वो सारे एडिशंस क्या है वो आप लोग को एक जिस्ट मिल जाएगा. अब ऑब्वियसली इन डेप्थ मैं इन एडिशंस के बारे में तब बताऊंगा जब आप लोग के हाथ में और मेरे हाथ में मॉड्यूल आ गया होगा. बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, सो एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग मच रिक्वायर्ड था ये, ठीक है. ये जो न्यू सिलेबस आप लोग ने अभी, इसके पहले SFM हुआ करता था, उसके पहले देयर यूज टू बी
ओल्ड सिलेबस. उस ओल्ड सिलेबस में देयर वॉज ऑलरेडी समथिंग कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग एंड रिस्क एनालिसिस. तो पहले था, फिर इंस्टीट्यूट ने रिमूव किया एंड आई थिंक इंस्टीट्यूट रियलाइज दैट दे शुड एड इट बैक एंड दे हैव एडेड इट बैक. सो कैपिटल बजटिंग अपन सबको पता है प्रोजेक्ट इवेल्युएट करने के लिए यूज करते हैं, और इसमें अब नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करने वाला है इंस्टीट्यूट, लाइक हाउ टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी यूज, इन्फ्लेशन की वजह से एक प्रोजेक्ट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, रिस्क एनालिसिस करेंगे अपन लोग कैपिटल बजटिंग एंड प्रोजेक्ट्स का, एंड इट इज गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू डू. सो एक डिसीजन ट्री होता है रिस्क का, दैट क्या प्रोबेबिलिटीज है एंड कैसे आप उसको इवेल्युएट करोगे. सो ये कैपिटल बजटिंग जो पूरा नया ऐड हुआ है. उसके अलावा जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि चैप्टर्स वाइज दे आर ऑलमोस्ट सेम, डेरिवेटिव्स में काफी सारे एडिशंस है. सो डेरिवेटिव्स क्या होता है? इट इज अ टूल जो एक स्पेक्यूलेटर प्रॉफिट कमाने के लिए या एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस रिस्क को हेज करने के लिए यूज करता है. सर इतने बड़े टर्म्स आएंगे, उसको भी यूज करेंगे. सो अगर मेरे को मेरे बिजनेस रिस्क को हेज करना है, अगर मेरे को एज अ स्पेक्यूलेटर प्रॉफिट कमाना है, सो डेरिवेटिव्स एज अ इंस्ट्रूमेंट इज यूज होल वर्ल्ड वाइड इन एक्सटेंसिवनेस, एंड इंडिया में भी अब डेरिवेटिव्स का काफी यूज हो रहा है. वो चीज को इंस्टीट्यूट ने समझ के देर आर अ लॉट ऑफ एडिशंस, जैसे कि एग्जॉटिक डेरिवेटिव्स, क्रेडिट डेरिवेटिव्स, इलेक्ट्रिसिटी. सो वेदर डेरिवेटिव्स हैव बीन एडेड. तो क्या एक वेदर के चेंज का बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट आता है? द आंसर इज यस. क्या इंपैक्ट आता है एंड हाउ कैन अ बिजनेस हेज ऑल ऑफ दोज रिस्क इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. सो आप लोग ने एक चीज पढ़ी होगी, सीडीएस, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप, या सीडीओस, कोलैटरल डेट ऑब्लिगेशंस. सर इतने बड़े बड़े वर्ड्स यूज करके डरा रहे हो? वेल, जस्ट गिविंग यू एन आइडिया दैट ऑल ऑफ दिस इज इन स्टोर फॉर यू इन द न्यू सिलेबस. सो प्रैक्टिकली अगेन इसको लिंक करना पड़ेगा. अगेन कुछ इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट्स है जहां पे आप लोगों को यू नो यू विल रियलाइज. सो अगेन बीइंग इन जेपी मॉर्गन, मैंने ये सब चीजें कहीं ना कहीं अपने डेली ऑपरेशंस में जब मैं जॉब कर रहा था तब मैंने यूज की हुई है. बिकॉज ये सब क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप्स या ये सब जो डेरिवेटिव्स के इंस्ट्रूमेंट्स है, दिस इज व्हाट रेगुलरली यूज इन दीज मल्टीनेशनल कंपनीज, एंड वहां का एक्सपीरियंस डेफिनेटली आप लोग के साथ मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा. इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर से रिलेटेड कुछ चेंजेस है दैट यू विल सी. सिक्योरिटी वैल्यूएशन है, अच्छा वैल्यूएशन एनालिसिस में काफी सारे एडिशंस है. सो अगर कोई स्टार्टअप है तो उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे? सो एक नाइका हो गया या जोमैटो, एवरी डे बेसिस पे अपन लोग इन दोनों वेबसाइट्स को यूज कर रहे हैं, बट इन स्टार्टअप्स का वैल्यूएशन कैसे करना है? मतलब एक तरफ अपन देख रहे हैं यार कंपनी तो लॉस पे लॉस कर रहा है, बट अगर मैं इनका वैल्यूएशन देखते जाऊं इट इज गोइंग इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स. सो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड ऑल ऑफ दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. वैल्यूएशन ऑफ डिस्ट्रेस्ड कंपनीज भी होगा, एट द सेम टाइम वैल्यूएशन ऑफ स्टार्टअप्स एंड से डिजिटल कंपनीज है, जैसे पेटीएम है, पेयू मनी है, ऑल ऑफ दैट विल ऑल्सो बी देयर. मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज की तारीख में एकदम कैच वर्ड है ESG, विच इज एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस. तो आज की तारीख में कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी को अगर ग्रो करना है ना, देन इन दैट केस दे हैव अ सेपरेट ESG डिपार्टमेंट जहां पे ये पूरा बिजनेस जो है ना वो बिजनेस इवेल्युएट करता है कि उनका इंपैक्ट एनवायरमेंट पे, सोशल पे, गवर्नेंस पे क्या आएगा. यू नो व्हाई? बिकॉज टुडेज इन्वेस्टर विल लुक एट योर ESG रिपोर्ट एंड देन विल इन्वेस्ट. वो देखेगा बस आपका गवर्नेंस कितना स्ट्रांग है, ठीक है? वो देखेगा कि आप एनवायरमेंट कितना आप रिलेटेड चीजें कर रहे हैं फॉर योर ओल यू नो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. ऑल ऑफ दैट इज देयर. क्रॉस बॉर्डर मर्जर है. स्टार्टअप फाइनेंस में यूनिकॉर्न के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है. यूनिकॉर्न इज अ स्टार्टअप विच इज वैल्यूड एट $1 billion विदाउट IPO प्रोसेस. सो काफी सारी नई चीजें भी है, काफी सारा जो ऑलरेडी SFM में था, वेरी नाइस सब्जेक्ट टॉपिक्स ऑलरेडी विच वर देयर. सो मैं आप लोग के साथ आ रहा हूं फुल ऑन लाइव एट होम बैच लेके, एंड इट इज गोइंग टू बी 100% लाइव. सो बैचेस डिटेल्स आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पाएंगे, एंड ऑल ऑफ द फीस जो हम लोग ने एक प्री बुकिंग स्टार्ट कर दिया है. बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग के साथ जो डिस्कस करना चाहता हूं वो है ये. सबसे फर्स्ट इज दैट सर क्या आप इसको इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल लॉन्च होने के बाद करवाएंगे? एब्सोल्युटली यस. सो इज इट गोइंग टू बी एज पर 100% ICAI मॉड्यूल? यस. क्या अगर इंस्टीट्यूट कोई एडिशनल सप्लीमेंट्री ऐड करता है इस सब्जेक्ट में तो क्या वो भी कवर होगा? अगेन द आंसर इज यस. 100% कवरेज रहेगा इन ऑल द एस्पेक्ट्स
टिल यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. सो अगर आपने पहले SFM पढ़ा भी है, गुड वेलकम. अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो भी मोस्ट वेलकम. वैसे भी अपन जो भी पढ़ने वाले हैं, वी विल क्रिएट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एंड देन वी विल टेक इट फॉरवर्ड. सो ऑल द अमेंडमेंट्स सो टू से, या कुछ नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो भी इंस्टीट्यूट नया चीज लाने वाला है, ऑल ऑफ दैट विल बी कवर्ड. आपको इसके साथ बुक्स क्या मिलेगी, सो वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गिव यू द ऑप्टिमाइज्ड बुक. सो वी विल फटाफट, जैसे ही मॉड्यूल आ जाती है, हम एक एनालिसिस कर लेंगे पूरे मॉड्यूल का, एंड उसके बेसिस पे ऑप्टिमाइज्ड मैजिक बुक फॉर योर लास्ट डे रिविजन विल बी इन स्टोर फॉर यू. सो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, आर यू एक्साइटेड? एंड मेरे चेहरे पे आप एक अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट देख रहे होंगे इन ऑर्डर टू गेट दिस सब्जेक्ट डन एंड डस्टेड फॉर यू. सो बाकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकोगे, एंड यू नो रजिस्ट्रेशन थिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट विल बी देयर. यू कैन विजिट आर नियर बाय फ्रेंचाइजी सेंटर्स एंड डेफिनेटली वहां से भी आप अपना बुकिंग कर सकते हो. राइट, चलो सी यू ऑल इन द लाइव एट होम बैच. ठीक है, पूरा का पूरा ICA मॉड्यूल करना है, एंड जहां पे मुझे लग रहा है दैट यस एक लेवल ऊपर जाना है इन टर्म्स ऑफ एनी कंटेंट, देन आई विल बी रेडी फॉर इट. ओके, चलो टेक केयर, हास्ता ला विस्ता, सी यू सून, थैंक यू सो मच.